Hello guys, welcome to my YouTube channel. Share, like and comment and subscribers for the latest updates. Hello guys, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 का 1.1 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन. यहाँ पे पहले आपको ये क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी यूज करनी है. तो अगर आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग वीडियो देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. यहाँ पे मैं पहले जहाँ पे जो सेम नंबर दिख रहा है वो वाला मैं फाइंड आउट करती हूँ. दिस आर द सेम नंबर. सो मतलब ये मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है. ये सिर्फ एक अकेला है. सो मैं पहले तो ग्रुप बना देती हूँ. ये मैंने ग्रुप बना दिया और 5/2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया. ओके, ये यहां से जो मैं अभी ये जो कॉमन है मैं पहले निकाल देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ. 3/5 मैंने बाहर निकाल दिया. जो बचा मुझे एज इट इज साइन के साथ डाल देना है. ये बचा, माइनस बचा, बीच में 1/6 बचा. मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप आगे के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैं प्रॉपर्टी से क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. मुझे 3/5 यहाँ पे ले लेना है. मैं एलसीएम ले लेती हूँ 6 और 3 का. 3 1 3, सॉरी मैं पहले 2 से शुरू करूंगी. 2 3 6, 3 1 3, सो माई एलसीएम विल बी 6. सो यहाँ पे मुझे 2 डालना है, यहाँ पे 1 डालना है. 2 2 4 और 1, नीचे मैंने 6 डाल दिया. प्लस 5/2 वो हो जाएगा 3/5. माइनस माइनस प्लस, माइनस 5/6, 5/2 हम लोग कट कर लेंगे. 1 दिस विल बी 2. सो माइनस 1/2 बचा और ये 5/2 बचा. अभी मैं एलसीएम ले लेती हूँ. डिनोमिनेटर सीधा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेम ही है. 4/2 कटिंग करके देखेंगे तो मेरा आंसर 2 आएगा. सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है. यहाँ पे भी मैं सेम ट्रिक करूंगी. जहाँ पे जो कॉमन लग रहा है मैं वहां पे पहले तो डॉट बना देती हूँ. ये कॉमन है और ये कॉमन है. दैट मीन्स ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया. तो फिर मैम इसका क्या करें, उसको हम लोग लास्ट में डाल देंगे. पहले एक ग्रुप बना देते हैं. जो मैंने ऐसे सर्कल ऐसे जो ब्रैकेट बनाया हुआ है मैं पहले उसको यहाँ पे ले लेती हूँ. अभी ये जो बचा मैं उसको थोड़ा साइड पे डाल दूंगी. उनका आपको जो हो रहा है कटिंग वटिंग आपको कर देना है तो आप कर सकते हो. अभी यहाँ पे 2/5 कॉमन है तो मैं 2/5 बाहर डाल देती हूँ. माइनस 3/7 प्लस 1/14 बच गया. 1/4 यहाँ पे बचा. मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि दिस इज अगेन अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मैंने यहाँ पे लिख दी दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2/5. यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगी. 7 और 14 का एलसीएम 14 ही होगा. सो 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया, 1 यहाँ पे डाल दिया. जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको एलसीएम करके यहाँ पे बता रही हूँ. 7 और 14, 2 7 14, ये 7 नीचे कैरी डाउन होगा. 7 1 7, सो इस हिसाब से 14 होगा. 3 2 6 हो गया, नीचे 14. 1/14, 1/4, 2/5 और ये हो गया माइनस प्लस माइनस. सो मैं 6 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 लिख दूंगी. नीचे 14 लिख दिया. माइनस 1/4 ये कटिंग हो जाएगा. दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 7. सो कट होके ये हो गया 1/7 माइनस 1/4. अगेन आई हैव टू टेक द एलसीएम. प्राइम नंबर है इसीलिए 20 आएगा. अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ. 7 4 20, मैं यहाँ पे 4 डालूंगी, यहाँ पे 7 डालूंगी. माइनस 4/28, 7/28, सो वो हो जाएगा माइनस 4 माइनस 7/28, सो वो हो जाएगा माइनस 13, सॉरी माइनस 11/28. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसका एडिटिव इनवर्स बताना है. एडिटिव इनवर्स इज वेरी सिंपल. ये पॉजिटिव है तो आपको उसका नेगेटिव लिख देना है. ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया. माइनस 5/9 है सो उसका एडिटिव इनवर्स 5/9 हो गया. माइनस 6/5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स, पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है. तो पहले तो क्वेश्चन ही आपका 6/5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया माइनस 6/5. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/-9. ये जो 9 नीचे है मैं उसको बीच में डाल देती हूँ. वो माइनस है तो उसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा. नेक्स्ट इज 19/-6. सेम मैं बीच में आंसर ला देती हूँ, माइनस ला देती हूँ तो वो हो जाएगा 19/6.
क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। आपको वेरीफाई करके बताना है माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैं LHS लिख देती हूँ और RHS लिख देती हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा दैट इज ऑफ 11/15। मैं LHS लिख देती हूँ और RHS लिख देती हूँ। ये हो जाएगा माइनस माइनस 11/15 और ये हो गया 11/15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/15 एंड दिस विल बी 11/15। सो मेरा आंसर दोनों का सेम आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज B इज इक्वल टू 13/17। सो मैं सेम LHS और RHS लिख के आपको बताऊंगी, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। माइनस 13/17 दिस विल बी 13/17। माइनस माइनस प्लस सब देखेंगे तो दोनों का आंसर सेम आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा माइनस 13, मैं उसके नीचे 1 डाल देती हूँ, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-13। मैंने सिर्फ रिवर्स कर दिया हुआ है नंबर को। बी देखते हैं। बी क्वेश्चन है माइनस 13/19, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 19/-13। सी देखते हैं। सी का क्वेश्चन है 1/5, सो वो हो जाएगा 5/1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ऑफ दैट इज 4 बी माइनस 5/8 मल्टीप्लाई माइनस 3/7। कटिंग हो रही तो कटिंग कर लो, अदरवाइज 5 3 15 और नीचे 56। ये मेरा क्वेश्चन बना। अभी उसका आंसर जो है वो 56/15 होगा, ये उसका रेसिप्रोकल हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2/5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अभी ये है उसका आंसर, दैट इज ऑफ 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 1। माइनस 1 के नीचे मैं 1 डाल देती हूँ, माइनस 1 के नीचे भी 1 डालूंगी तो भी आंसर सेम ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो आपको प्रॉपर्टीज है वो जो आइडेंटिफाई करके बतानी है। पहले प्रॉपर्टी एक्चुअली लिखी हुई है इस हिसाब से, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 सॉरी माइनस 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई माइनस 4/5। इसको बोलेंगे 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने सिर्फ खाली नंबर ही रिवर्स किए हैं, पहले ये लिखा था फिर बाद में ये लिखा। सो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मैं रेसिप्रोकल कर दिया हुआ है, तो रेसिप्रोकल है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 6/11 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। पहले तो 7/16 -7/16 का रेसिप्रोकल होगा 16/-7। मैंने पहले इसका रेसिप्रोकल लिख दिया हुआ है। अभी मुझे बोलना है इसका आंसर क्या आएगा। 16 6 16 6 दैट इज ऑफ 96 और नीचे हो जाएगा दैट इज ऑफ 11 7 दैट इज 77। यहाँ पे 13 है सॉरी, सो 13 7 आ जाएगा 91। माइनस नीचे है तो आपको लगे तो ऊपर भी डाल सकते हो आप, आंसर विल बी द सेम। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस हिसाब से है। आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। आप देख रहे हो तो ग्रुप बन रहा है और जहां पे ग्रुप बने तीन का तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैंने पहले इसका ग्रुप बनाया फिर इसका ग्रुप बनाया, सो दिस इज माय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मुझे बोला हुआ है इज 8/9 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले 8/9 को मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके देख लेती हूँ। अगर मिक्स फ्रैक्शन में डाले तो वो कुछ इस हिसाब से हो जाएगा 8, 1 और 1। उन्होंने मुझे बताया है कि उसका जो रेसिप्रोकल है वो ये आएगा,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो ये आएगा. सो नो आंसर डाल देना है. मैंने वेरिफिकेशंस व्हाई नॉट यहाँ पे लिखी दिया. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. मुझे बोला है 0.3, इसका मतलब हो गया 3/10. मैं उसका पहला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देती हूँ. सो वो हो जाना है इस हिसाब से. तो उन्होंने लिखा है, यही आंसर में लिखा हुआ है कि ए 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 × 1/3 होगा. यस, व्हाई और व्हाई नॉट उसका आंसर मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. लिखा हुआ है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. ऐसी जीरो है जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है. मैं 0/1 भी लिखू तो भी आंसर 0 ही आनी है. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दैट रेसिप्रोकल. तो 1 और -1 ऐसी नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करोगे तो सेम ही आएगा. रेशनल नंबर बोली है इसीलिए. द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. ऐसी कौन सी रेशनल नंबर है उसके नेगेटिव से सेम ही होती है. दैट इज ऑफकोर्स 0. उसके नेगेटिव से भी सेम होगी मैं, क्योंकि मैं 0 को नेगेटिव लिख ही नहीं पाऊंगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. 0 हैज डैश रेसिप्रोकल. सो मैं लिखूंगी क्वेश्चन नंबर 11 में 0 हैज नो रेसिप्रोकल. क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल. हम लोगों ने अभी ऊपर किया, दैट इज -1 और -1. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज. -5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-5. क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज, दैट इज ऑफ x/1. क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस हिसाब से है, प्रोडक्ट ऑफ अ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. मैं जब भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर रेशनल नंबर ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. लिखा हुआ है क्वेश्चन द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे एडिटिव इनवर्स नहीं बोला है. थैंक यू.